नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष राघव और स्वागत है आपका वायरल प्लैनेट न्यूज़ की स्पोर्ट्स एडिशन में। स्पोर्ट्स के इस एडिशन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल की, और फुटबॉल में भी प्रीमियर लीग की। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड ने अपना मैच खेला जो कि एक एक से ड्रॉ रहा। शुरुआती 90 मिनट में दोनों टीमों में से कोई भी गोल करने में असफल रहा। एडिशनल इंजरी टाइम में दोनों टीमों ने स्कोर करने में सफलता प्राप्त करी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेल्सी की। तो चेल्सी ने लोअर टायर की टीम जो कि अभी प्रीमियरशिप से प्रमोशन के बाद प्रीमियर लीग में आई थी, बर्नली के खिलाफ 40वें मिनट में 90 कार्ड मिलने के बाद, यानी कि अगेंस्ट 10th मैन, चेल्सी 2-2 पे ड्रॉ कर पाई। चेल्सी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी टीम में इन्वेस्ट किए हैं, इसके बावजूद वो रैंक 10 से ऊपर बढ़ नहीं पा रही है। हालांकि ट्रेडिशनली अगर आप चेल्सी की बात करें तो उनका फैन बेस जो है वो बहुत ही मजबूत रहा है, और उन्होंने चैंपियंस लीग वगैरह भी काफ़ी बार जीती हुई है, और प्रीमियर लीग वगैरह भी मोरिन्यो के अंडर। तो चेल्सी का इस तरह का पतन शायद इंडियन चेल्सी फैंस को पसंद ना आए। आगे बात करते हैं, अपना रुख करते हैं बुंदेसलीगा की तरफ। तो वहाँ पर एक तरह से आप कहें शॉकिंग रिजल्ट सामने आया, जिसमें बायर्न म्यूनिख जो अब तक की चैंपियन टीम थी, वो चैंपियन टीम बुंदेसलीगा में बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने हारती हुई नजर आई। कई साल से लगातार चैंपियन रहने के बाद बुंदेसलीगा को फार्मर्स लीग का टैग मिल चुका है, लेकिन इस बार वहाँ पर कुछ अचंभित सा हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है जो हम सभी को अचंभित कर सकता है। एक मिडिल टायर की टीम बायर्न लेवरकुसन इस बार बुंदेसलीगा में 13 पॉइंट्स की लीड बना चुकी है, और अभी हाल ही में दिए अपने बयान में बायर्न म्यूनिख के कोच थॉमस ट्यूचल ने ये कंसीड कर दिया कि वो मान चुके हैं कि अब वो टाइटल रेस से बाहर हो चुके हैं, और बायर्न लेवरकुसन इस साल का बुंदेसलीगा जीत चुकी है।